Welcome to Time News Studios. You are watching 1 PM Bulletin. नवाज शरीफ केस का मुकम्मल तौर आगाह है। दियाणी वाणी अदालत में पेश न थो थे। परदेही खाते अगूणे वजीर आजम के इश्तहार जरिए तलबी बारे मामले ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराए छड़ी। रिपोर्ट में चो है देही ए परदेही मीडिया ते नवाज शरीफ की तलबी जहा इश्तहार जारी थे जो खबरों हलूँ, पर नवाज शरीफ अदालत में पेश न थो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंस में सजा खिलाफ अपीलन ते गैर हाजिरी सबब नवाज शरीफ के इश्तहारी करार दियण जो इम्कान। नवाज शरीफ, इसाक डार, हसन नवाज ए हुसैन नवाज मथा पाकिस्तान अचण ते का भी पाबंदी ना है। सुध समा वाले वफाकी वजीर शिबली फराज का चवण है तो नवाज शरीफ सनस नाठी ए पुट डेह अची बेगम शमीम अख्तर की जनाजे नमाज में शिरकत कन। रियासती जबरवारी प्रोपागेंडा लाडाणी ते भी सियासत करण बराबर है। तवा केंखे बेवकूफ़ बनाए रहा हो। डेथ सर्टिफिकेट मिलने बाद बेगम शमीम अख्तर जो मड़ खमिस तई पाकिस्तान मुंतकिल करण जा इम्कान। तदफीन जाती उम्र में थींदी। शरीफ कुटुंब सा ताजिए जो सिलसिलो जारी। सिंध में कोरोना केस वधण बाद अॼु खां कारोबारी मर्कज सुबुह 6 खां शाम 6 बजे ताईं खुलल रहंदा। छंछर ऐं आचर ते कारोबारी मर्कज बंद रखण जो भी नोटिफिकेशन जारी। सरकारी ऐं खानगी इदारनि में 50% स्टाफ घटाइण जो हुकुम। घरू खाते नओं हुकुमनामो जारी करे छॾियो। शादी तकरीबूं शादी हॉल्स बदिरां खुलल हंधनि ते थींदियूं। राति 9 वॻे खां पोइ शादी तकरीबुनि ते पाबंदी हूंदी। होटल्स ए रेस्टोरेंट्स में रुगो होम डिलीवरी ए पार्सल की इजाज़त होंगी। मजार थिएटर्स सिनेमा इंडोर गेम्स बिजनेस सेंटर्स ए बंद जगहों पर थींदड़ बियूं सरगर्मियों भी मुकम्मल तौर पर बंद रहंदियूं। नओ हुकुमनामो ईंदड़ साल 31 जनवरी तई लागू। मुल्क में कोरोना विघे 48 मरीज हयात विञाए वेठा। तालीम बारे वफाकी वजीर शफकत महमूद स्कूली बारण के कोरोना वायरस की पखेड़ जो जिम्मेवार करार दींदे है तो समूरे मुल्क में कोरोना पखेड़ी रो है। बार वबा की पखेड़ जो सबब बणजी सघन था। तालीमी इदारन की बंदिश जो फैसलो इतफाक़ी राय से कयो। स्कूलन की बंदिश बाबत हतमी फैसले लाए कौमी राबता कमेटी जो इजलास अज तलब। वज़ीर आज़म की सदारत हेठ गडजाणी में तालीमी इदारन की बंदिश जे हतमी मंजूरी ए स्मार्ट लॉकडाउन समेत अहम फैसलों जो इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिविल एविएशन अथॉरिटी जो नओं डीजी मुकरर करण वारो नोटिफिकेशन 8 दिसंबर तई पेश करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अटर्नी जनरल तरफा कुछ ॾींहनि में नओं डीजी मुकरर करण जी खातिरी। ॿुधणी दौरान रिमार्क्स ॾींदे चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्ला जो चवण हो त पार्लियामेंट जे फ्लोर ते 262 पायलट्स जाली हुजण जो बयान ॾिनो वियो। हाणे वरी चई रहिया आहियो त रुगो 82 लाइसेंस जाली हुआ। ॿुधायो वञे त 262 पायलट्स जा लाइसेंस जाली हुजण जे बारे में कंहिं ॿुधायो। हिन मामले में इंतिहाई गफ़लत कंदे कौमी एयरलाइन जी साख मुतासिर कई वई। सेक्रेटरी एविएशन अदालत आॾो चयो त 50 पायलट्स जा लाइसेंस रद्द कया विया ऐं 32 लाइसेंस खे शकी करार ॾिनो वियो आहे। चीफ जस्टिस चयो त पोइ 262 लाइसेंस जाली हुजण जो बयान कीअं ॾिनो वियो। कारियूं रिढूं इदारनि में रखंदव त नतीजा त भोगणा पवंदा। हिकु क्लार्क हुकूमत जे 80 रुपयनि जो कमु ख़राबु करे छॾींदो आहे। हुकूमत पंहिंजो कमु नथी करे त सुप्रीम कोर्ट क्लार्कनि जे पोयां छो वञे। इदारनि में कानूनी मामलनि जी ज़िमेवारी क्लार्कनि न पर ऑफिसर्स जी हुजणु घुरिजे। चीफ जस्टिस जस्टिस गुलज़ार अहमद जा कैंटोनमेंट स्कूल्स में उस्तादनि जी मुंतकली ख़िलाफ़ अपील ते ॿुधणी दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट वफाकी सरकार की अपील रद्द करे छड़ी। कैंटोनमेंट स्कूल्स में उस्तादन के पक्को करने वालों हाई कोर्ट जो फैसलो बरकरार। अदालत कावड़ जो इजहार कंदे चयो त हुकूमत मुद्दों पूरो थियण बाद अपील्स दाखिल करने खिलाफ़ कार्रवाई छो नथी करे।
अपील्स दाखिल करण में देर थे त अदालत खां छा घुरन इंदा आहो को न को मिलल हुंदो आहे जेको अदालती फैसलो अचण बाद मामले के दबाए छॾींदो आहे। छा तव्हां चाहियो था त वॾे वज़ीर खे तौहीने अदालत जो नोटिस माणियो। सिंध हाई कोर्ट तरफ़ां 10,000 लेक्चरर्स के टाइम स्केल न मिलण ते कावड़ जो इज़हार। सिंध हाई कोर्ट लेक्चरर्स के 10 ॾींहनि में टाइम स्केल ॾियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। ॿुधणी दौरान असिस्टेंट AG सिंध तरफ़ां मोहलत घुरण ते जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर चयो त तव्हां मुंझारा पैदा करणु घुरो था त नतीजनि लाइ बि तयारु रहो। माण्हू सालनि खां धिका खाई रहिया आहिनि, तव्हांखे थोरो बि अहसासु नाहे। अदालत जो हुकुम वॾे वज़ीर ऐं चीफ सेक्रेटरी सिंध लाइ हो, तौहीने अदालत जी कार्रवाइनि लाइ तयारु रहो। मिठी पुलिस मुबैना तौर क़त्ल थियल नारी गीता सोठड़ वाक़े खे आपघात करार ॾेई छॾियो। नारी जा सहुरा ख़ुदकुशी जा ज़िमेवार करार। SSP थरपारकर जी गीता केस जी फरियादी ऐं इल्ज़ाम हेठि आयल धुरियुनि सां मुलाक़ात। ॿिन्ही धुरियुनि पारां मामले जे निबेरण जी तस्दीक। SSP जो चवणु आहे त गीता सोटहड़ जी ख़ुदकुशी जा ज़िमेवार संदसि साहुरा हुआ, तंहिं करे मथनि ॾंडु विधो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं नारी मामले जो निबेरो थियो हो। सिंध सरकार औरतुनि सां जिन्सी ज़्याती जे केसिस में जवाबदारनि खे जल्द सज़ा ऐं DNA नमूना हासिलु करण बाबति नओं मुसविदो तयारु करे वरितो। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तर्फ़ां सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी दौरान मुसविदो पेश। अदालत दरख़्वास्त गुज़ार खे नए मुसविदे जो जाइज़ो वठण जी हिदायत करे छॾी। ॿुधणी दौरान रिमार्क्स ॾींदे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर चयो त अहिड़ो निज़ाम जोड़ियो वञे जेको असांजे मुआशिरे सां ठहंदड़ हुजे। अमरीका ऐं कैनेडा जहिड़ो निज़ाम हिते अमल जोॻो न हूंदो। DNA जो जदीद निज़ाम लागू करियो ऐं जांच में टेक्नोलॉजी जे इस्तेमाल खे वधायो वञे। यामशोरे में शागिर्द सां मुबैना बदफेलीअ बाद वीडियो रिकॉर्ड करण वारे मामले में अॻभराई। पुलिस मुतासिर शागिर्द खे आज़ादु करे इल्ज़ाम हेठि आयल चयनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। SSP यामशोरो DSP एडमिन जी सरबराही में जांच कमेटी जोड़े छॾी। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ख़ौफ़नाक हादसा। औरत समेत 3 ॼणा फौत। मीरपुर ख़ासि भरिसां उमरकोट रोड ते ट्रैक्टर ऐं मोटरसाइकिल में टकरु थियण जे नतीजे में लालू कोहली ऐं संदसि घरवारी मुस्मात राणी फौत, सदन पुटु रमेश ज़ख़्मी थी पियो। न्यू सईदाबाद में रिक्शा में लोई फासण सबबि नौजवान हिदायतुल्ला ॾेथो ज़ख़्मी फौत थी वियो। सिंध में सियारे जो पहिरियों मस्कारो। लाड़काणो, नौधेरो, शहदादकोट, मोहनजोदड़ो, बाकराणा, डोकरी, वारह, कंबर, वगण, नसीराबाद, लालू रायंक, गाजी खावड़ ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसाति बाद थधि में इज़ाफ़ो। बलूचिस्तान जे मस्तूम, तफ़्तान ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसाति। मुल्क जे मथाहिनि इलाइक़नि में बर्फ़बारी जो सिलसिलो जारी। मानसहरा में केतिरा ई रस्ता बंदि थी विया। राणीपुर जे पीर पाड़े में बासर जवाबदारनि तर्फ़ां नौजवान पोरित जे मथो, ॾाढ़ी ऐं अधु मुछूं कूड़े तस्लील। नौजवान ज़फ़र शेख दाहियो आहे त कार पार्किंग ते मज़दूरी कंदो आहियां, पार्किंग जा पैसा वापसि न ॾियण ते बासर जवाबदारनि तज़लील जो निशानो बणायो। ग़रीब हुजण करे जवाबदारनि ख़िलाफ़ु कुझु बि नथो करे सघां। हद जे थाणे जी पुलिस बि कार्रवाई करण लाइ तयारु नाहे। तज़लील जो निशानो बणियल नौजवान तर्फ़ां SSP ख़ैरपुर खां इंसाफ़ जो मुतालबो।
अमरीकी सदर ट्रंप नए चूंडल सदर जो बाइडन के इक्तदार की मुंतकली जो बाजाबता तौर अमल शुरू करण जो ऐलान कर छो चूंड नतीजन खिलाफ मजामत जारी रखण जो भी अज़्म जाहिर पेंे ट्विट बयान में ट्रंप जो चवना है तो मुल्की मफादन के नज़र में रखंदे जो बाइडन के प्रोटोकॉल मुकम्मल करण जो हिदायतों कर अमेरिका में इक्तदार की मुंतकली की जिम्मेवार इदारे GSE तरफा भी जो बाइडन की कामयाबी के तस्लीम करण जो ऐलान जो बाइडन 20 जनवरी से अमेरिका के नए सदर तौर हल्फ खणंदो। मुझी सिंधी बोली अनगो टी भली मरे बिजो तुमके सिंध में मुझो साह अथव जी जल में मुझो साह ही धरती जी जल माव अथव सिंध में मुझो साह अदरक टोपी ढो अस खुश आयो जो ईद मल्हाए भी अस ये मल्हाए रहा है बिल्कुल अस पूरी दुनिया को बुधाई तो अस दिसंबर से धूमधाम से मल्हाईदे कराची सिंध है सिंध कराची है कराची सिंधी दिल है सिंध में जो सडाए सिंधी बरोच समट या कुली कच्छी सिंध में जो सडाए सिंधी बरोच समट या कुली कच्छी भील मुझो भाव अतव सिंध में मुझो सा टाइम न्यूज़ ए पेंजी अखबार के सद से एकता दिहाड़ो मल्हाण जो तैयारियों जारी 6 दिसंबर से कौमी काज मल्हाण लाए जागरता तकरीबन दौरान गीतन ए रक्स से सिंध अमर के भेटा पेश सिंध के नंढन वडन शहर में कराची सिंध है सिंध जिंद है जे सिरे हेठ एकता जो दिहाड़ो कौमी जोश ए जज्बे से मल्हाण